दरभंगा में एक बार फिर दिल को झकझोर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां अपने ही बहन की शादी के लिए कमाने गया एक भाई का ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मौत के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इधर बताया जा रहा है कि दरभंगा के हायाघाट के बलिया गांव के रहने वाले बिट्टू यादव अपनी बहन और पिता के साथ गांव में ही रहा करते थे। वहीं बिट्टू यादव की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए वह अपनी बहन की शादी के लिए कमाने बिहार के बाहर गया हुआ था। वहीं वह अपने पिता सहित अपनी बहन को वादा करके गया था कि तकरीबन 4 लाख से 5 लाख रुपये कमाकर ही लौटूंगा। लेकिन इधर बताया जा रहा है कि बिट्टू यादव का उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। वहीं बिट्टू का शव दरभंगा के बलिया गांव पहुंचा तो पूरे इलाके के लोगों में शोक की लहर फैल गई। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बहन और पिता का जो भी सपना था वह एक पल में बिखर सा गया है। ये है यूपी हाथरस है, बागला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बागला हाथरस शहर है। ये बता रहे हैं कि पुलिस वाले बता रहे हैं कि ये ट्रेन से जो है किसी ने जो है क्या कुछ धक्का वक्का दे दिया या कुछ ऐसा कुछ हुआ है, वही एक्सीडेंट बता रहे। दिल्ली जा रहा था जो हाथरस जिला में एक्सीडेंट, गाड़ी से गिर गया या कोई धक्का दे दिया जो स्पॉट मर्डर। वहाँ से पुलिस को जब मिला लास्ट तो पुलिस द्वारा सूचना हुआ गांव में, तब वो फोन किए तो वो लोग आए, विजय जी आए कहने के लिए, तो फिर वो पुलिस वाला से बात हुआ। तो दिल्ली से में कुछ आदमी यहाँ से जाने में दूर होता है, तो दिल्ली में कुछ लोग रहते हैं ग्रामीण, वही लेके आए। शादी हुआ था? नहीं शादी नहीं। कितने भाई बहन? 2 भाई था और 4 बहन। इतना गरीब है जो खाने लायक यहाँ पर गुजर बरस के लिए नहीं है, सब मजदूरी करता है, भट्ठा उठा फलना चिलना में गाय भैंस पाल के अपना जीवन यापन करता है। सर सरकार से उचित मुआवजा दिया जाए, इसकी 2 बहन है शादी के लिए, अब तो कोई फिर बचा नहीं, बाबूजी भी उनका ऐसा एकदम स्थिति दयनीय है, तो उनका शादी के लिए पिता का फिर भरण पोषण के लिए मुआवजा दिया। तो मतलब आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम उदय कुमार यादव। आप कौन हैं?